Hey, how's it going, everyone? My name is Madip and welcome back everyone to my car for sale world. So guys, तुम लोगों को याद होगा last episode के अंदर मैंने reveal किया था कि मेरा जो car for sale simulator का world है वो पूरे तरीके से delete हो चुका है and then हम लोगों ने last episode में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी. But guys, तुम लोग याद करो last episode में सबसे बड़ा concern मेरा क्या था? ये नहीं था कि मेरे जो इतना बड़ा showroom है भाई वो इतना छोटा सा हो चुका है दोबारा से. ना ही ये था कि मेरे पास जो 8 या 9 million dollars थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 million dollars बचे हैं. पैसा भी concern नहीं था. मेरा कंसर्न था कूड़ा करकट. लास्ट एपिसोड की क्लिप तुम लोग वाली देखो भाई साहब, इतना सारा कूड़ा मेरा यहाँ पर मुंह के सामने गिरा हुआ था कि मेरा दिमाग खराब हो गया था. एंड मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि भैया जो बंदा हम लोगों ने हायर नहीं किया था यहाँ पे, वो भिखारी हायर करते थे हम लोग, वो बंदा मुझे मिल नहीं रहा था. मैंने उसको बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन आज गाइस तुम्हारे भाई को देखो कौन दिखा है. टैन टैन, हमारे शोरूम के साइड में बैठा हुआ एक छोटू सा भिखारी. लेट्स गो. भगवान ने हमारी सुन ली और भिखारी भाई साहब को हमारे शोरूम के पास बैठा दिया. भाई जी ये बंदा होमलेस है एग्जैक्टली, तो क्या मैं इसको पैसा दूं या फिर वीकली 500? वेट, अगर मैं इसको हायर करूंगा तो वीकली $500 लेगा ये बंदा? ब्रो तुम लोगों को पता है $500 का मतलब 40,000 रुपए होता है. 40,000 रुपए का मतलब होता है कि 4 हफ्ते एक महीने में होते हैं तो 4 × 3 = 12, $1,20,000. मतलब भिखारी से सीधा ही ये बंदा 1,20,000 महीने के कमाएगा. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अमेरिका में जाके भिखारी बन जाना चाहिए भाई, ज्यादा बड़े हो जाएगा. आजा मेरे बेचे, तेरे को मैंने अभी यहाँ पर हायर कर दिया है. एंड चलो गाइस एक काम करते हैं, जो आज के दिन के थोड़े बहुत ट्रैश वगैरह पड़े हैं ना, इनको मैं ही डाल देता हूँ यहाँ पे. एंड आई एम सो हैप्पी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोगों को, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई अभी यार. एंड आई थिंक कल से हम लोगों का यू नो ऑफिस वगैरह ज्वाइन करने वाला, तो गाइस आज मैंने सोचा हुआ है ना कि अपने इस शोरूम को बड़ा करते हैं, थोड़ा सा यूनिक डिजाइन मैं इसको देने वाला. क्योंकि यार मैं गाड़ियां वगैरह जब खरीद के ला रहा हूँ तो मैं यहाँ बाहर उनको जब खड़ा कर रहा हूँ फायदा नहीं हो रहा भाई, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गाड़ियां मैं लगा ही नहीं सकता. तो आई थिंक मेरे को आज अपने शोरूम को दोबारा से बड़ा करना पड़ेगा. एंड आई वॉन्ट अगेन अ लग्जूरियस, यू नो, एक बहुत ही लग्जूरियस शोरूम की मुझे रिक्वायरमेंट है. तो उससे पहले गाइस मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं ये देखो तुम लोग यहाँ पे लो डैमेज, योर व्हीकल्स नाउ टेक लेस डैमेज. अगर कहीं पर मैं ठुक जाऊंगा तो मुझे ये वाली एक अनलॉक करनी थी. और ये वाली देखो गाइस तुम लोग, शोज द बेस्ट सेलिंग प्राइस फॉर योर व्हीकल. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको मैं अनलॉक कर देने वाला हूँ. एंड ये क्या है हमारा, ओ रिपेयर वगैरह फास्ट हो गया. मतलब एक हिसाब से ये बाकी के सारे वॉश स्पीड वगैरह के लिए है, फिलहाल को इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं गाइस. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो गाइस ये हमारी टेस्ला गाड़ी है, ठीक है ना. अगर इसमें जाएंगे तो ये रुका गाइस, ये टेस्ला है हमारी एंड ओवरऑल 49,000 की मैंने खरीदी हुई है. तो मैं अभी एक काम करने वाला हूँ, सबसे पहले गाइस इसको धोते हैं, ठीक है ना. इनफैक्ट मैं इसको स्पंज से ना धोते हुए इससे धोऊंगा, डायरेक्ट पानी मार के धोऊंगा मैं इसको, ऐसे करके अच्छे तरीके से इसको मैं धोने वाला हूँ. गाइस अभी मैं जस्ट एक चीज टेस्ट आउट करने वाला हूँ, जो हमने अभी अभी स्किल निकाली है ना, इस स्किल को मैं टेस्ट आउट अभी और इसी वक्त करने वाला हूँ. चलो अपने टेस्ला को मैं बस अच्छे तरीके से हर जगह से पोंछ दूं, जिससे क्या हो जाए कि इसको मैं मैक्सिमम रेट पे बेच सकूं, है ना. चलो गाइस हमारी गाड़ी एकदम क्लीन हो चुकी है. एंड अभी चलो एक काम करो यार, मेरे को ना अपने ऑफिस के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से भी तो कर ही सकता हूँ ना. कैमरा क्यों खोल रहा हूँ मैं, पागल है क्या? डायरेक्ट वेब पेज पे जा एंड यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं गाइस. देयर इज माय टेस्ला का, वेट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इन ऑफिस. ये ऑफिस के अंदर नहीं भाई, अंदर है मैंने गाड़ी खड़ी करी हुई भाई, कुछ भी बोल रहे हैं यार ये. हाँ गाड़ी अंदर है बट नॉट फॉर सेल है, इसको हम लोग सेल पर डालने वाले. 49,000 कहना. देखो गाइस नीचे यहाँ पे इसको हम लोग कितने में हाईएस्ट बेच सकते हैं, देखो यहाँ पे. ओ माय गॉड, बिलो एवरेज इतने बिकेगी. हाई प्राइस इसका है ऑलमोस्ट 81,900, यानी कि अगर मैं इसको 80,000 का बेचूंगा तो मैं इसको इजीली बेच सकता हूँ. मैं सच्ची बताऊँ तुम लोगों को, 49 की है ना, मैं इसको 65 की बेचता अदरवाइज 65, बट इसको हम लोग 80,000 तक की हाईएस्ट बेच सकते हैं. तो एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ गाइस मैं इसको, ठीक है ना. हो गई है हमारी यस, 80,000 पे जा चुकी है. एंड एक बार ऑफिस को जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑन, तो ऑन करते ही यहाँ पर देखते हैं गाइस जो भी ग्राहक वगैरह आएंगे. आई एम सो हैप्पी यार कि बस ये हमारी बिक जाए सबसे हाईएस्ट उसमें, तो ये स्किल हमारी काम आ जाएगी. एंड हमारी पहली कस्टमर आ चुकी है भाई, ठुमके मारते मारते. आंटी जी, आई थिंक यू ऑलवेज कीप योर लेग डेज माय ब्रदर. ए वे वे कहां जा रही है? ओ हेलो, कहां जा रही है? व्हाट, अबे तू मेरा वेट, वो भिखारी ये तो नहीं थी, ये तो एकदम से ऐसे सुंदर लड़की बन गया यार. इसके साथ बात वगैरह करते भाई, ये हमारी कोई ना कोई वही है, क्या बोलते हैं, लाइक कस्टमर है, ठीक है ना. द प्राइस इज टू हाई, 47,000 की बोल रही है भाई, कितनी अनपढ़ बना रही मेरे को यार. 49,000 की खरीदी हुई गाड़ी को 47 का कर रही है भाई, ऐसे
ठुमके मार के चल रही, इसका मतलब ये नहीं तो हाई स्टैंडर्ड वाली बन जाएगी। जेब में पैसे है नहीं चली हुई यहाँ पे यार। आई थिंक मेरे को इस गाड़ी को, ये रिपेयर्ड भी है गाइस, पूरे तरीके से वाली गाड़ी हमारी रिपेयर्ड है। मैं चाहूँ तो मैं ना इसकी एक आधी चीजें कर सकता रहा, लाइक थोड़ा बहुत उसको अपग्रेड कर लेता, थोड़ा बहुत ही उसके पेंट करवा देता, बट खैर वो सब छोड़ो गाइस। ये बिक जाएगी हमारी आई थिंक 80,000 की। बट अभी मैं गाइस एक काम करने वाला, सबसे पहले हम लोग अपने इस ऑफिस को पूरे तरीके से करने वाले हैं मॉडिफाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले मूव एंड डिलीट करेंगे, इसको उड़ा दो भाई जी, जो भी सारी की सारी चीजें है, इन सभी के सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे उड़ा देने वाले हैं। इधर को आ जा और तू इसको भी उड़ा दे। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी है, एंड मेरा जो साइन है ऊपर से मैंने नीचे ला दिया, पता नहीं क्या किया मैंने। ओ माई गॉड, मैंने इसके यहाँ पर गलती से रीसेट मार दिया, दैट्स व्हाई। ओ इनकी पोजीशंस को चेंज करने के लिए रिस्टोर कर दिया ना मैंने सारे के सारे, इसीलिए। सबसे पहले तो गाइस हम लोग ऑफिस अपग्रेड करने वाले हैं, $1,000,000 पूरे के पूरे खर्च होंगे। मैंने ये पांच, ये जो मैंने लार्ज एरिया लास्ट टाइम पे खरीदा था ना, ये $500,000 का मैंने गलत खरीदा, डायरेक्ट मुझे $1,000,000 का खरीदना चाहिए था, वो मैंने गलती करी सबसे बड़ी। चलो गाइस कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, इंसानों से ही होती है भाई गलतियां सारी की सारी। तो एक बार देखते, वाओ यार यहाँ पे डोर्स के क्या तगड़े वाले ऑप्शन, देखो ना नीचे भाई साहब बहुत सुंदर सुंदर डोर्स है। और यहाँ पे रात क्यों होगी यार, वो रात को ज्यादा अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में। ठीक है गाइस एक काम करते हैं, रात तो रात बैठ कर अपने इस ऑफिस को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी हमारे ये दीवारें हैं, जो भी हमारे ये मेन गेट वगैरह, सारे के सारे मैं उड़ा देने वाला हूँ, ठीक है ना। एंड ये सारे के सारे पैसे हमारे अकाउंट में, तुम लोग ऊपर देख सकते हो सब कुछ ऐड हो रहा है। बैक साइड के लिए हमारी वाली वॉल्स काफी अच्छी लग रही है, मैं डिजाइन को ना बस याद रखने वाला हूँ, ठीक है ना। इन सबको उड़ा देते हैं गाइस, एंड बिकॉज हम लोगों को सबसे पहले सबसे ज्यादा इजी वाला काम करना है, एंड मैं इसको उड़ा नहीं पा रहा क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले अपनी गाड़ियों को हटाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि गलती से भी हमारी गाड़ी वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए, दैट्स व्हाई। गेम को थोड़ा सा डर है, इन सबको मैं उड़ा देने वाला हूँ, सोफे वगैरह, ठीक है ना गाइस। बल्कि एक काम करते हैं, एक बार सोकर आते हैं, जब हम लोग सोएंगे एक बारी सुबह ना अच्छे दिखता है मेरे को यार। चलो गाइस कंटेनर में वापस जाके सोकर आते हैं और ऐसा ऑफिस बनाते हैं ना आज का कि भाई साहब मजे आ जाए यार। एंड ओ यू क्लीन द ऑफिस, ओ माय गॉड डोंट टेल मी कि मेरे भिखारी भैया आ चुका है यहाँ पे। तू आ गया क्या, तू आ गया क्या मेरे भाई, लेट्स गो भाई जी। ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी यार। वेट वेट, क्या मैं इस बंदे को भी तो अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है ना एक, क्योंकि जितना याद आ रहा है अपग्रेड यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल के लिए, आई थिंक ऑफिस अपग्रेड में नहीं, यहाँ तो कहाँ ही होगा ना। चलो गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले जितनी भी हमारी ये गाड़ियां, इन सभी के सभी गाड़ियों को हम लोग यहाँ से खिसका देने वाले हैं थोड़ा सा साइड साइड में। ठोके मत, तूने मेरे रेयर गाड़ी को ठोक दी, आई मीन मैंने खुद ही ठोक दी अपनी रेयर गाड़ी को यार, किसी और को क्या ही ब्लेम करना है यार। ओ माय गॉड, और ये तो हमारी सेल पे है ना गाड़ी का, जब ये काम करना पड़ेगा इसको ना सेल से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसको मूव ही नहीं कर पाऊंगा। आ जाओ जी, रिमूव इट फ्रॉम सेल एंड अब डायरेक्ट गड्डी के भीतर हम लोग इधर से घुसने वाले हैं। चलो भाई भीतर, और यहाँ से इसको हम लोग डायरेक्ट बैक साइड के लिए लेकर जाएंगे, यहाँ पीछे कहीं पे इधर ही किधर पार्क कर देंगे, ठीक है। चलो इनफैक्ट जो हमारी ये वाली गाड़ी है ना गाइस, ये भी गलत जगह पे लगी हुई है यार, सारी की सारी गाड़ियों को पीछे के लिए मैं ऐसे करके बस हर कहीं पार्क कर देने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली गाड़ी भी यहाँ पर बीच में आने वाली है हमारी, इसको भी पीछे लेके चलते हैं थोड़ा सा। चलो 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 इसको यहाँ पर पार्क कर देते हैं, अब एक आखिरी गाड़ी बची हुई है, ये वाली गाड़ी, इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं एंड देन हमारा काम हो जाएगा। टेंशन मत लो गाइस, आज मैंने सोचा हुआ आज मैं इसको मल्टीपल मंजिल का बनाने वाला हूँ, और हर एक मंजिल के अंदर अलग थीम होगी भाई, गाड़ियों को रखने की अलग थीम, मतलब भाई बहुत ज्यादा एडवांस काम करने वाला हूँ आज मैं, फुल डिटेल में जाके हम लोग आज डेकोरेट वगैरह करने वाले। तो चलो गाइस पहले मैं इन सबको भी उड़ा देता हूँ यहाँ से, एंड लेट्स डू वन थिंग, सबसे पहले हम लोग नीचे के ये फ्लोर्स को लगाने वाले हैं। थिंक नीचे का फ्लोर हमारा ये वाला है, और पूरा का पूरा इलाका मैं इससे भर देने वाला हूँ जितना भी हो। इनफैक्ट मैंने ना एक गलती कर दी है, देखो गाइस हमारा जो ये ऑफिस है पीछे तक इसको मैं पूरा भर देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी नाइस। एंड वेट क्या हुई, अच्छा मेरे को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा ना, रेंज कम हो रही है भाई। एंड गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शोरूम बना रहा हूँ भाई, इतना अंधों की तरह पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, अंधों की तरह, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। एक एक जो है टाइल मैं लगा रहा हूँ $500 के भाई, ₹40,000 की एक टाइल है जो मैं बिछा रहा हूँ, कैन यू बिलीव इट। अभी तक मैं 100 बिछा चुका हूँ, तो 4 करोड़ ऐसे ही खर्च हो गया मेरा भैया। शोरूम बनाएंगे तो भाई सारा बजट बुजट सब भूल जाना पड़ेगा अपने को। चलो गाइस हमारा नीचे का बेस ऑलमोस्ट का पूरा ही तैयार हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले करने वाले विंडोज एंड वॉल्स के साथ स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं वॉल्स, तो देखो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग सबसे आगे
यहाँ पर हमारा दरवाजा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं दरवाजा सोच रहा हूँ क्योंकि हमारे शोरूम की स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर हमारे ग्रैंड तगड़ा जैसा एक दरवाजा होना चाहिए। एंड इसी के साथ गाइस हम लोग लगाने वाले हैं कुछ विंडोज, ठीक है ना। एंड विंडोज हम लोग प्लेन वाले लगाएंगे, ऐसे वाले। आई थिंक अच्छी लगेगी, वेट मुझे देखने दोगे ना। नहीं नहीं वाली, ये वाली अच्छी लग रही है एक्चुअली में, ये वाली एक्चुअली में गंदी लग रही है मुझे। इसकी जगह पे कोई दूसरे स्टाइल की, आई थिंक ये वाली अच्छी लगनी चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक वन टाइम। हाँ ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाला एक्चुअली में बढ़िया लगने वाला है। तो चलो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो हमारी एंट्रेंस कुछ इस तरीके से होने वाली है। और यहाँ पर गाइस लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर मैं ये ब्रिक वाली वॉल्स लगाने वाला हूँ ऐसे करके। एंड ऐसे नहीं भाई, ये मैंने गलत लगा दिया। इस वाले को मैं जस्ट अभी यहाँ पर डिलीट मार देता हूँ यूं करके, एक बार इधर देखते हैं, ठीक है ना गाइस। मुंह के सामने ये हमारी एंट्रेंस। एक तो भाई ये इतने सारे साइन बोर्ड वगैरह फालतू में मैंने रिस्टोर किए कसम से यार। यूं करके हम अंदर आएंगे तो गाइस यस, यहाँ पर ये वाली वॉल्स अच्छी लग रही है एक्चुअली में। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यार हर जगह से हमारी गाड़ियाँ वगैरह दिखे, एक स्पेसिफिक जगह से, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से हमारी गाड़ियाँ वगैरह दिखनी चाहिए। लोगों को थोड़ा सा क्यूरियस करना जरूरी है, तभी बिक्री ज्यादा होगी। अदरवाइज ज्यादा बिक्री एक्चुअली में ऐसे होती है नहीं है। तो चलो गाइस अभी एक काम करते हैं ना, अब यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ विंडोज वगैरह, आई थिंक सिंपल विंडोज। अब मैं कैसे करके करूँ यार, यहाँ से मैं डायरेक्ट सीधा भी ले सकता हूँ, मैं अंदर के लिए भी इसको काट सकता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये गाइस, मैं ऐसे करके भी यहाँ से यूं करके लेके आ सकता हूँ, या मैं इसको डायरेक्ट सीधा भी लेके आ सकता रहा। एक काम करते हैं गाइस, डायरेक्ट सीधे की जगह पे हम लोग ये कर लेते हैं। ऐसे करके क्या हो जाएगा, मैं तुम लोगों को अभी आइडिया बताऊंगा इसके बाद कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ जान मुझ के। इनफैक्ट मैंने एक और गलती कर दी है। देखो गाइस ऐसा है, अब हम लोग शोरूम बना रहे हैं इतना तगड़ा सा, तो हम लोगों को थोड़ा एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये वाले जो ग्लासेस है हमारे पूरे के पूरे सी थ्रू ग्लासेस है यार, ये अच्छे नहीं लग रहे एक्चुअली में। ये कुछ ज्यादा ही सी थ्रू, ये हमारे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे अच्छे नहीं लगने वाले, ये ऊपर वाले फ्लोर्स में अच्छे लगेंगे क्योंकि वहाँ पे ना लोगों की रीच नहीं होती है। एंड साथ ही साथ यू नो ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो मैं एक काम करने वाला गाइस, ये ना बहुत सारे सी थ्रू ग्लासेस, इन सारे के सारे को उड़ा देते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ग्लासेस लगाने वाले, आई थिंक ये डबल वाले अच्छे लगेंगे। नहीं ये भी अच्छे नहीं लगने वाले हैं, मैंने बहुत ज़रा गलत हरकतें कर रहा हूँ कसम से। मुझे सिंपल वाले एग्जैक्ट ये वाले चाहिए होंगे। आ हा 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 हा, ये बढ़िया है भाई, ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो एक साइड की वॉल पूरी तैयार हो चुकी है हमारी। एंड अभी मैं इनको दोबारा से उड़ा देने वाला हूँ। एंड अब मैं इनको पूरा का पूरा अरे से परे तक लगा देने वाला हूँ ऐसे करके। एंड पीछे के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसी के साथ बॉयज एंड गर्ल्स हम लोगों ने इसको पूरा बना दिया। बस एक दो गलतियां मुझसे हुई है, एक ये और एक ये, इन दोनों को हटा देते हैं। एंड आई थिंक हमारी बेसिक वॉल्स तैयार हो चुकी है बाहर वाली। यस अभी गाइस तुम लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ, मैंने ना यहाँ पे जान मुझ के कुछ स्पेस वगैरह छोड़ा हुआ है। मैं तुम लोगों को यहाँ साइड से दिखाऊं, देखो गाइस यहाँ पर ना मैंने इतना खुला स्पेस जान मुझ के छोड़ा हुआ है शोरूम के लिए। क्यों, यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज बनने वाली है। हम लोगों को गाइस अभी पूरे आर्किटेक्चर लाइक आर्किटेक्चर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा पूरा का पूरा, लाइक बहुत ही तगड़े वाला दिमाग। कि ऐसे ही इजी नहीं होता गाइस शोरूम वगैरह को बनाना, बहुत ज्यादा दिमाग के साथ मैं पूरा सोच के आ रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो गाइस ये काम करते हैं, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी छत लगा देने वाला हूँ अब। एंड यहाँ से हमारा फिर पहला वाला फ्लोर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ गाइस हमारा पहला फ्लोर यहाँ पर पूरा का पूरा बन चुका है। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज, सबसे अभी देखो गाइस सबसे पहले काम करते हैं, ठीक है, बैक साइड के लिए चलते हैं। एंड क्योंकि गाइस अब हमारा जो शोरूम है इसका लाइक जो फर्स्ट फ्लोर है, जो सबसे लाइक ग्राउंड फ्लोर, तो हमारे ग्राउंड फ्लोर के लिए हम लोगों को बनानी पड़ेगी एंट्रेंस गाड़ियों के लिए, ठीक है ना गाइस। तो इसको पहले मैं उड़ा देता हूँ बैक साइड वाले को। एंड आई थिंक मैं कौन सा वाला दरवाजा लगा सकता हूँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये वाला भी लगा सकता हूँ पर ये गाड़ियों का नहीं, शटर लगाना पड़ेगा शायद से मेरे को। ये शटर है और एक $1500 का लाल वाला शटर है, आई थिंक ये लाल वाला ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। एंड जो बच्ची भी हमारी ये वाली है ना, यहाँ पर हम ये लगाएंगे, यहाँ पर हम ये लगाएंगे, जान मुझ के गाइस मैंने ये वाला काम किया हुआ है। अब इसको एक बारी अंदर जाकर अच्छे से टेस्ट करते हैं। यस लेट्स गो, आई डोंट नो कि ये काम करेगा क्या पक्का, ये सिंगल बना दे मैंने एक्चुअली में यार, ये थोड़ा खतरे वाला काम हो गया है ना। कि तुम लोग गौर से देखोगे तो सिमेट्री पे नहीं, यहाँ पे चार है इस साइड के लिए और वहाँ पे उस साइड के लिए तीन ग्लासेस है, तो मैं समझ गया मैंने यहाँ पर क्या गलती करी है। इसको मैं एकदम सिमेट्रिकल बनाने वाला भैया, सिमेट्रिकल। इन तीनों को उड़ा देते हैं ऐसे ऐसे करके। एंड इसको यहाँ पे लगाएंगे गाइस, एंड इसको यहाँ पे लगाएंगे गाइस, एंड जो हमारा एक ये वाला ग्लास है इसको उड़ा देंगे। एंड अब यहाँ पर मैं बस वॉल लगाने वाला हूँ, लाइक विंडोज लगाने वाला हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली। देखो
यहाँ पर चार आ चुके हैं, यहाँ पर चार आ चुके हैं, अरे परे तुम लोग। इनफैक्ट मैंने गलत लगा दिया भाई, मैंने गलत लगा दिया। यहाँ पर मुझे वॉल्स चाहिए थी, दो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर गाइस हम लोग दो वॉल्स को फटाफट लगा देते हैं। भाई साहब ये हुई ना बात। अब ये जो शटर है गाइस, यहाँ से अंदर कोई भी गाड़ी आएगी तो डायरेक्ट दोनों के दोनों शटर साथ खुलने वाले हैं। लेट्स गो, एक बार टेस्ट कर ही देते हैं ना। मेरी जो सुपर है मैं इसको एक बार ही अंदर लेके जाने वाला हूँ। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, खुलेगा हमारा शटर, प्लीज 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 प्लीज, लेट्स गो। यार ये क्या स्मूथ खुला है भाई, क्या स्मूथ खुला है ब्रो, एकदम मजेदार है भाई ये, एकदम मजेदार। एंड लास्ट टाइम गाइस मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, मैं तुम लोगों को लिटरली बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ी गलती वो ये थी कि मैंने शोरूम के अंदर लिफ्ट लगाई हुई थी ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए। वो सबसे बड़ी बेवकूफी करी थी मैंने। अरे भाई मुझे हर बार नहीं तो हर एक गाड़ी को जो लाइक ऊपर वाले फ्लोर पे गाड़ी जाने वाली है उसको मेरे को सबसे पहले शोरूम के अंदर लेके जाना पड़ेगा एंड देन ऊपर वाले फ्लोर पे जाएगी। ऐसा कौन करता है यार, है? अगर सपोज करो अंदर हमारी लाइक 10 गाड़ियां लगी है, 10 कस्टमर्स है, तो कितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस होने वाले उन सभी के सभी कस्टमर्स को। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ साइड में पूरी की पूरी वाली जगह छोड़ी हुई है। एंड वो जगह हमारी कौन सी वाली, हाँ ये वाली, तुम लोग ये देखो, ये जो साइड वाली जगह है पूरी की पूरी मैंने तभी छोड़ी हुई है बिकॉज यहाँ पर हम लोग एलिवेटर वाला सिस्टम लगाने वाले हैं। एंड थोड़ा सा सीक्रेटली लगाना पड़ेगा इसको कि बस वो दिखे ना, है ना। तो आई थिंक ये है हमारा एलिवेटर, इसको मैं कहाँ पर फिट कर सकता हूँ पहले तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार ये। ओ वेट, इसको ऊपर शिफ्ट करने का ऑप्शन तो आ रहा बट नीचे आ नहीं रहा यार एक्चुअली में। सोचने वाली बात है, एक सेकंड रुको गाइस, इसको मैं एक बार यहाँ पे लगा के देखता हूँ एक बारी, ठीक है ना। एंड यार रात हो गई भाई, सो के आता हूँ मैं एक बारी, मैं कितना मेहनती आदमी हूँ, रातों रात मैं काम कर रहा हूँ अपने इस शोरूम के ऊपर यार। एंड जब तक गाइस हमारी सुबह आ रही, मैं यहाँ पर एक कमेंट पढ़ने वाला, लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बोला था कमेंट्स वगैरह करने के लिए, तो मुझे एक बहुत तगड़े वाले टिप मिली है। व्हेन सर्चिंग फॉर अ न्यू होम, इजान हनीन जी ने बोला है, व्हेन सर्चिंग फॉर अ न्यू होम पे अटेंशन टू हाउसेस इन योर नेबरहुड दैट हैव फॉर सेल साइन, यानी कि हम लोगों को घर खरीदने तो हम लोग पूरा का पूरा घर नेबरहुड में जाकर भी खरीद सकते हैं ब्रो, मेरे को ये पता ही नहीं था, तो इस कमेंट की वजह से मुझे पता चला। सो थैंक यू सो मच मैन फॉर दिस। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा है, दैट्स व्हाई मैं इसको लगा नहीं पा रहा हूँ, या तो फिर मैं इसको शायद से आई थिंक रोटेट भी कर सकता हूँ जितना मुझे पता चला है। इसको यहाँ कर, इसको रोटेट करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा, देखो ना यहाँ पे जगह ही नहीं है भाई, कहीं पे इसको फिट नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस चेक दिस आउट, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं नीचे प्लेस करूंगा। अभी यहाँ पे मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, अगर मैं इसको यहाँ पर, क्योंकि ना मेरा शोरूम छोटा हो रहा है एक्चुअली, मेरा शोरूम छोटा बन रहा है इससे ना, तो लेट्स डू वन थिंग, अगर मेरे को गाइस एक और ब्लॉक अंदर के लिए इसको लाना पड़ेगा तो मेरा शोरूम बहुत छोटा बन रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये मैं कर नहीं सकता, मुझे यहाँ पे ना पूरा पूरा एलिमिनेट करना पड़ेगा एक्चुअली में। सो लेट्स डू वन थिंग, बाकी मैं जितना इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ मैं इसको एक्सपैंड करने वाला हूँ इधर के लिए। एंड यहाँ से आगे चलते हैं, ऐसे करते हो ठीक है, सारी की सारी इसके साथ मैं इसको यूं करके लगाने वाला हूँ आगे तक। एंड यहाँ से आई थिंक मैं इसको यूं करके मोड़ देने वाला, भाई बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा जुगाड़ वाला करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये दिखने में अच्छा ही लगना चाहिए। एंड यहाँ से हम लोग छत को मैं पूरा का पूरा गाइस अच्छे से एक बार कवर करता हूँ, एंड एक बार नजर मार के आते हैं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ियां वगैरह अब साइड से जाने वाली है ऐसे करके। ओ दिस इज लुकिंग परफेक्टली फाइन ब्रो, परफेक्टली फाइन लग रहा है ये, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, एकदम नॉर्मल तो लग रहा है। बट एक बार ही टेस्ट करते हैं, अपनी लॉर्ड मस्टैंग को इसके ऊपर चढ़ाएंगे एक बारी। एंड नाउ लेट्स चेक ये बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये है हमारा ऊपर जाने वाला, आ हा हा हा, भाई 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 भाई, दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, एकदम बढ़िया भाई साहब। और ये देखो गाइस हमारी एंट्रेंस यहाँ पर है, तो इसके बैक साइड के लिए बनाया मैंने ऊपर के लिए, तो ये जच भी रहा है एक्चुअली में, जच रहा है ये, सो दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। तो चलिए काम करते हैं अब जरा, यहाँ पर हम लोग अपने सेकंड फ्लोर पे काम स्टार्ट कर देते हैं। गाइस सेकंड फ्लोर पे अब मैं वो वाली विंडोज लगाने वाला हूँ, लाइक पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट वाली विंडोज, अब ये जचेगी यहाँ पर एक्चुअली में। फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल भी नहीं जचनी थी वाली, सेकंड फ्लोर पे बहुत अच्छी लगने वाली है। अब बस गाइस दिक्कत यहाँ पर ना सिर्फ एक होने वाली है मेरे को, मैं सच बताऊँ तुम लोगों को, तो देखो तुम लोग दिक्कत क्या होगी, जो हमारा अब ये लिफ्ट हमने यहाँ पे लगाई है ना जो गाड़ियां ऊपर जाने के लिए, अब अगर मान लो मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना है, फोर्थ फ्लोर पे जाना है, तो मेरे को अब यहाँ से आगे के लिए एक और लिफ्ट लगानी पड़ेगी, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। या तो फिर शायद से हम लोग एक और काम भी तो कर सकते हैं ना, वेट वेट, मुझे बस एक सेकंड रुको, तुम लोग बस मुझे एक सेकंड रुको, मैं बस अपने सारे शीशे लगा के आता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर टेस्ट करनी है। क्या पता हम लोग एक ही लिफ्ट के साथ पूरे के पूरे शोरूम में नीचे से ऊपर तक एक ही लिफ्ट को लगा सके, तब तो बढ़िया हो जाएगा ना। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट फ्लोर हमारा तैयार हो चुका पूरा का पूरा, तो ग्राउंड फ्लोर तो गाइस फिलहाल को दिखने में एकदम बढ़िया है। अब यहाँ से भी हम लोग को बस एक ग्लास
ग्लास है जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाना वो मैं बाद में लगा दूंगा, बट ऊपर वाला फ्लोर एक बार चेक करते अच्छे से। यहाँ से देखो रास्ता बढ़िया है जाने का। एंड नाउ जस्ट वॉन्ट टू चेक कि हम लोग यहाँ से कैसे करके गाड़ियों को शिफ्ट कर सकते हैं भाई, दैट इज द मेन थिंग यार। रुको गाइस एक सेकंड, क्या मैं टैबलेट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकता? अरे ऑफिस में टैबलेट के साथ भी हो सकता है। दिस इज परफेक्ट डूड, परफेक्ट। तो गाइस मुझे सबसे पहले ये सामने वाले जो मैंने दो ग्लासेस लगाए हुए इनको गायब करना है, ताकि जो लिफ्ट के थ्रू गाड़ी यहाँ पर हो डायरेक्ट अंदर आ सके। अब क्या ये लिफ्ट ऊपर जा सकते है डायरेक्ट? आई जस्ट वॉन्ट टू चेक दिस, है ना। तो यहाँ से एक बार ऊपर के लिए चलते हैं। एंड जो हमारे आई थिंक एक ये और ये इन दोनों को बढ़ाने वाला गाइस। एंड यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा से सपोर्ट पे जाकर इसको मैं दोबारा से आई थिंक ऐसे करके लगा तो सकता हूँ, बट पीछे के लिए लग नहीं रहा यार। वेट, आई हैव टू कट दिस। एंड क्या मैं इसको यहाँ से और ऊपर लेके जा सकता हूँ? नहीं, ये सिर्फ नीचे जाएगी और सिर्फ ऊपर जाएगी एक बार, दैट्स इट। एक लिफ्ट हमारी सिर्फ एक बार काम करती है, तो मेरे को उसी हिसाब से अब जुगाड़ रखने पड़ेंगे यहाँ पे। ओ दिस इज नॉट गुड एक्चुअली बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज नॉट गुड, बिकॉज अब मुझे पता क्या करना पड़ेगा ना, मैं समझ गया एग्जैक्टली। थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है गाइस हमारे साथ, ये वाली प्रॉब्लम तो है, मानने वाली बात है। सबसे पहले जो हमारी मस्टैंग यहाँ पर खड़ी है इसके मुंह के सामने ना, आई हैव टू डू वन थिंग, ठीक है ना। ये चीज हमारी बाहर से दिख नहीं सकती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। चल एक बार हम लोग गाइस यहाँ पर जाएंगे अभी शोरूम के अंदर, ठीक है ना। एंड देखो गाइस शोरूम के अंदर से बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए कि हमारी कोई भी गाड़ी अंदर के लिए ट्रांसपोर्ट हो रही है, इनको उड़ा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर व्हाट आई एम गोना डू इज, यहाँ पर हम लोग वॉल्स के अंदर जाके ये वाली वॉल्स अंदर की साइड से यूं करके लगा देने वाले हैं जानबूझ के, ताकि देखे नहीं शोरूम के अंदर की गाड़ियां अंदर के लिए आती कैसी है। ये देखो ना गाइस तुम लोग यहाँ पे, है ना। अब यहाँ बाहर हमारे लिफ्ट है, किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है। एंड बढ़िया एकदम, शोरूम के बाहर जो भी काम हो रहा है सब कुछ बेसिकली बैक एंड में होना चाहिए ना हमारा। अबे ओए पकौड़े, सामने देखो दिख नहीं रहा, ये मुझे यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ रहा है ट्रैश यार, मतलब कमाल है यार भाई, ये किसी काम का नहीं है बंदा। और यहाँ पर ना हमारा वो भी नहीं एक्चुअली में, तभी मैं सोचू क्यों नहीं कर रहा है, डस्टबिन गायब हो चुका है। चल कोई बात नहीं यार, होता है भाई, ऐसा होता है, तू ज्यादा टेंशन ना ले, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक बार अपन जाएंगे यहाँ से ऊपर एंड यहाँ पर टैबलेट खोल भाई एंड आ जा भाई तू अब यहाँ पे। अभी गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब देखो जो बैक साइड है हमारी, यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले विंडो के साथ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर ना दो इनविजिबल ग्लासेस है वाले ना गाइस, सबसे पहले मुझे ये डिलीट करने ही पड़ेंगे यहाँ पे। एंड हमारा जो सबसे बैक वाला इलाका है ना, ये पूरा का पूरा अपने को गाइस लिफ्ट वाला बनाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट वाला, बिकॉज गाड़ियाँ जब तक ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तब तक भैया मजा नहीं आएगा। तो बैक साइड ऑफ आवर शोरूम कम्प्लीटली हम लोगों को बंद कर रखना पड़ेगा ऐसे करके, बल्कि यहाँ पर हमारी सीढ़ियाँ लगी हुई है गाइस, तो सीढ़ियों को भी ऐसे करके कवर करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट। और अभी मैं इस चीज को बस बैक साइड से देखने वाला हूँ कि कैसा दिखेगा, दिखने में बस अच्छा होना चाहिए, बाकी तो सब चलेगा यार। ओके अभी बस गाइस एक और काम करना है, जो हम लोगों ने ऊपर की लगाई है इनको हटा दो। चलो ऐसे करके इसके और हमारी थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी हो रही है, थोड़ा सस्ते में भी हमारा बन रहा है ना, सस्ते में बनाना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा महंगा हो गया अदरवाइज, ये सस्ते में इसको निपटाना पड़ता है कई बार, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर ही एडजस्ट हो रहा था इससे पहले, अब नहीं हो रहा यार। हेलो ब्रो, व्हाट द हेल इज दिस। अच्छा मैंने यार ये वाले ग्लासेस नहीं हटाए साइड से, आई थिंक ये जितने भी हमारे ग्लासेस है सब हटाने पड़ेंगे। एंड अब आई थिंक मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ, आई थिंक इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा ऐसे करके, कहीं तो लग जाएगा, लगेगा। ओ ये ऐसे करके लग रहा है, अरे क्या है ये डिजाइन, कैसा डिजाइन है, यहाँ पे लग रहा है ऐसे करके ये, बट ये तो हमारा थर्ड फ्लोर हो गया ना, थर्ड फ्लोर के लिए यहाँ पे, अरे रुको भाई ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये हमारा थर्ड फ्लोर है, हमको यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पर लगाना है भाई। देखो गाइस अगर तुम लोग अभी तक समझे नहीं एग्जैक्टली क्या करना है, मैं तुम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है ना गाइस। देखो यहाँ पे ये हमारा एलिवेटर अप होगा, हमारी गाड़ी जो सेकंड फ्लोर पर जानी है वो यहाँ से जाएगी, हम लोग यहाँ पर इस लिफ्ट को लेकर आ चुके। अब यहाँ से हमारी गाड़ी आगे जाने वाली है यहाँ पर जहाँ मैं भी खड़ा हूँ, तो यहाँ पर एक और लिफ्ट होनी चाहिए ऊपर जाएगी जो, समझ गए ना तुम लोग। अब हम लोगों को उस हिसाब से बस मुंह के सामने यहाँ पर एक लिफ्ट चाहिए, जो कि लग नहीं रही है यार। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये इसके ऊपर कहीं, देखो ऐसे करके लग रही है, व्हाट द हेल इज दिस यार, मैं ऐसे टेढ़ा क्यों लगाऊंगा इसको, तुम लोग मुझे बताओ पागल हूँ क्या मैं, इन्होंने क्या मुझे पूरे तरीके से पागल समझा हुआ है क्या। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली हो गया भाई, फाइनली हो गया। एंड यहाँ से ऊपर के लिए भी देखो तुम लोग, यहाँ पर मैं ऊपर भी इसको लगा सकता हूँ इजिली आई थिंक ऐसे करके। लेट्स
गो, हमारा काम हो चुका। भाई साहब इतनी मुश्किल से आने है, मैं आप बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से है मेरे लिए। एंड अब मैं यहाँ पे ओवरऑल 3 फ्लोर्स के लिए गाड़ियों को लेकर जा सकता हूँ। माई गॉड, मुझे 1 सेकंड को तो लग रहा था भाई हो गया मेरा काम यहाँ पे अभी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था यार। बड़ा फाइनली हो गया गाइस। तो अंदर की साइड से व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि यहाँ पर हम वॉल्स पे जाएंगे एंड यहाँ पर हर जगह पे वॉल्स लगाएंगे अंदर की साइड से। ओके, शोरूम के अंदर किसी को नहीं दिखेगा कि हमारी गाड़ियाँ कैसे कैसे ऊपर जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको यूं करके लगाने वाले हैं। एंड ये जो मुंह के सामने गाइस हमारी 2 शीशे दिख रहे तुम लोगों को, अभी शीशे तो क्या भाई, ये सामने इनको मैं उड़ा देने वाला हूँ यहाँ से अच्छे तरीके से। दैट्स इट, हो गया। एंड अब गाइस हम लोग यहाँ पे विंडोज पे जाके ये वाले जो ट्रांसपेरेंट विंडोज है सारे के सारे बाहर के लिए ऐसे करके लगाने वाले हैं एंड इस वाले को उड़ा देंगे सिर्फ। दैट्स इट, देखो भाई लेट्स गो। नीचे सब अगले हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमारा शोरूम दोबारा से खुला खुला सा भी है एंड दिस इज परफेक्ट यार। ओ माय गॉड कितना मस्त लग रहा है। और जो पीछे दीवार वाला हिस्सा है ना गाइस, यहाँ पे हम लोग ना सोफे सोफे लगाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। कुछ पेंटिंग्स वगैरह का ऑप्शन आएगा फ्यूचर में तो पेंटिंग्स वगैरह लगाएंगे तब भी ये गायब हो जाएगा भाई साहब। अभी गाइस बस हम लोग एक काम करते हैं, दोबारा से ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं एक बारी एंड बस आखिरी चीज करते हैं जो कि है इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे कवर अप करना, जो हमारा 3rd फ्लोर है। मैं फटाफट क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे हर जगह पर ये जो विंडोज वगैरह लगाता हूँ एंड लास्ट में तुम लोगों से मिलता हूँ। हम लोगों को डायरेक्ट अब इसके बाद लिफ्ट को टेस्ट करना है कि लिफ्ट हमारी परफेक्टली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। All right, boys and girls, look at my showroom, my man, कितना ज़्यादा मॉडर्न लग रहा है। Oh my God, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस ऑक्शन आज 4 बजे स्टार्ट हो रहा है, मुझे सारी की सारी गाड़ियाँ ऑक्शन की खरीदने वाले हैं। देखो गाइस हमारे जो थीम बनी है वो ये बनी है कि बैक साइड की जितनी भी हमारी वॉल्स है सारी की सारी मैंने लाइक शीशे हटा के वॉल्स रख दी है। क्यों? बिकॉज इट वॉज नेसेसरी। बैक साइड के लिए हमारा पूरा कवर सिस्टम है गाड़ियों को ऊपर ले जाने वाला। दैट्स और मैंने ना यहाँ से ऊपर जाने वाला फ्लोर बनाया नहीं, एक्चुअली मैं पागल हूँ एक नंबर का। आई थिंक मुझे कैसे यहाँ पर फटाफट कर देना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पर ऑक्शन वगैरह हमारा स्टार्ट हो जाए लेट्स डू वन थिंग गाइस, क्योंकि मेरे को अभी ऊपर वाले फ्लोर में भी तो जाना ही पड़ेगा। सो एक काम करता हूँ मैं, इनको मैंने यहाँ पे उड़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। एंड यहाँ पर हम लोग सपोर्ट के तौर पर सीढ़ियाँ वगैरह उठाते हैं और सीढ़ियाँ यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, क्योंकि हमारी सीढ़ी यहाँ पर आई है तो आई थिंक ये परफेक्ट बनना चाहिए। एंड अगर गौर से देखा जाए तो यह परफेक्ट है ब्रो, परफेक्ट है ये। तो यहाँ से गाइस हम लोग ईजिली ऊपर भी जा पाएंगे। चलो गाइस अब मैं टेस्ट करने वाला उसको, ठीक है ना। चलो अभी एक बार देखते हैं हमारा सिस्टम कैसा बना है एक बार। चल बेटा तो यहाँ से नीचे, तो सपोज करो गाइस हमारी कोई नई गाड़ी आई शोरूम के अंदर तो हम लोग उसको लेकर आए पहली लिफ्ट में, हमने उसको चढ़ाया पहली लिफ्ट को, हम लोग यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे। जैसे हम लोग उसको ऊपर लेकर जाएंगे एक बंदा मतलब ऑफकोर्स गाड़ी के अंदर बैठा रहेगा, तो गाड़ी को यहाँ से हम लोग लेकर जाएंगे डायरेक्ट 2nd लिफ्ट पे, मारेंगे ब्रेक एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट 2nd फ्लोर के लिए। ओ भाई साहब दिस इज नाइस, बट यहाँ पे ना अंदर से दिख रहा है वो अलग बात है, बट मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा। अंदर भी हम लोग गाइस यहाँ पे ना वो वॉल्स वगैरह लगा सकते हैं बाय द वे इजीली। चलो एक बारी गाड़ी को यहाँ से आगे लेके चल एंड आगे वाले रैंप के सेंटर में खड़ी करते हैं। एंड गाइस अब यहाँ से हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग पहुंच जाएंगे अपने 3rd फ्लोर के लिए। दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम। बट अब यहाँ पे बस एक और चीज करना है मेरे को, अपने को बस यहाँ पर गाइस इसको और इसको दोबारा से उड़ा देना इन चारों को, बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर एक और सीढ़ी वाला सिस्टम हम लोग बनाए। तो सपोर्ट में जाके सीढ़ियाँ निकालते हैं एंड यहाँ पर हमारी एक और सीढ़ी आएगी एंड हमारे पूरे 3 फ्लोर का सिस्टम पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। बॉयज एंड गर्ल्स आई एम सो हैप्पी यार, हो गया हमारा काम। चलो भाई शोरूम पूरे तरीके से तैयार हो चुका, बस एक चीज है जो हमारे बाहर का साइन बोर्ड है ना, बस मैं इसके लिए फंस चुका हूँ यार, उसके लिए मैं फंस चुका हूँ। गाइस ऑलमोस्ट 4 बजने वाले, ये साइन बोर्ड ये कंप्यूटर्स वगैरह हम लोग यहाँ से अंदर कैसे लेके जाएंगे गाइस प्लीज लेट मी नो। ये वाला चीज को जो जो बंदे कमेंट वगैरह करेंगे हम लोग ऑफ कोर्स मैं उनके वो चेक वगैरह करने वाला हूँ एंड शाउट आउट भी देने वाला हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले अपन अपनी पुराने वाले ट्रिक के तौर पे मैंने गाड़ी ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है ऑक्शन के अंदर, पहले ही चेक कर लेते हैं भाई लोग कि कौन कौन सी गाड़ी आने वाली। ओ ये कौन सी गाड़ी है, आई थिंक ये हमारी ऑडी हो सकती है, ये मैं खरीद सकता हूँ बिकॉज हमारी ब्रांड न्यू शोरूम के अंदर ऑडी बहुत तगड़ी जचने वाली। ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, आई थिंक ये हमारी मर्सिडीज हो सकती है। अरे भाई गाइस बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी है इस बारी, ये सारी गाड़ियाँ बहुत महंगी होने वाली है, लेकिन ये सारी गाड़ियाँ बहुत महंगी होने वाली है। अरे स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो चुका, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल।
अपने लिए यहाँ पर फटाफट टिकट खरीद एंड दोबारा से मेरी गेम हैंग हो रही है। चल 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 बाय टिकट ब्रो। अरे पहली तो इतनी सड़ी गाड़ी है तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई लोग ये तो हमारी है पिकअप ट्रक है हमारे वाला, ये तो मैं खरीदूंगा नहीं। ऑफ कोर्स हमारे शोरूम पे अच्छा नहीं लगा ये। हमारे जो तीन फ्लोर है तीनों फ्लोर की मैं थीम रखने वाला हूँ, लाइक सुपर कार्स वगैरह सबसे टॉप पे जाएगी, बीच वाले हमारी मिड रेंज की कार्स होगी, सबसे नीचे हमारी या तो सबसे नीचे हम लोग मिड रेंज की कार रखेंगे, बीच में ठीक ठीक होगी, टॉप वाले फ्लोर्स में सारी सुपर कार्स रखने वाले हम लोग। ये है हमारा मेन मकसद। ओके बस हमारे फालतू की बिड खत्म हो जाए। चलो गाइस बढ़िया होगा। ये वाली कौन सी गाड़ी है? है वहां तो मुझे कुछ बढ़िया दिखी थी भाई गाड़ी यार, कोडा ऑक्टा भाई तो फालतू की गाड़ी है खुद भी। चलो मैं इसमें एक या दो बारी गाइस बिड वगैरह फटाफट बोलते दो ताकि जल्दी जल्दी बिडिंग वगैरह खत्म हो जाए हमारी एंड जल्दी कोई और ले जाओ। शाबाश। अरे हमारी मिड रेंज की गाड़ी है गाइस, मैं मिड रेंज की गाड़ी खरीद देता हूँ। एक है ना मेरे को शोरूम के सबसे नीचे वाले पार्ट में मिड रेंज की गाड़ियाँ रखनी है जो दिखने में थोड़ी बहुत अच्छी हो एंड बिक्री वगैरह भी हो जाए, तो मुझे खरीदनी पड़ेगी एक्चुअली में। तो जैसे को ट्रक नहीं खरीदूंगा भाई मैं, है ना, वो फालतू है भाई, वो अपने को खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये भी हमारी मिड रेंज वाली गाड़ी 57,000 वाली गाड़ी है, तो मर्सिडीज है ब्रो, खरीद इसको, खरी स्मार्ट इसको तू, फटाफट खरीद इसको तू भाई। ये दो गाड़ी हमारी मिड रेंज की गाड़ियां आ जाएगी गाइस, तो दोनों की दोनों हमारी शोरूम में बहुत अच्छी लगने वाली है। और सबसे आखिरी वाली है हमारी ऑडी, ये बहुत महंगी होगी, $3,00,000 की है। अरे यार मेरे पास $1,000,000 बचे सिर्फ, यार मैं बहुत गरीब हो गया हूँ यार, क्या है ये। चलो चलो गाइस इसको खरीदना तो बनता है यार, इसको खरीदना तो बनता है। मैं $7,000 की बिड लगाने वाला हूँ हर बार, ठीक है ना, एंड लेट्स सी कि कितने में ये टोटल बिकने वाली है। ओह माय गॉड, यो क्लोज टू 5 मिलियन जाने वाली है, लाइक 5 लाख जाने वाली है, मेरे को लग गया बता। देखो 4,94,000 बस काफी है भाई, काफी है, और आगे मत करियो प्लीज। लेट्स गो बॉयज, $5,00,000 ऑलमोस्ट सच होने वाले थे, बच गया मैं अभी। कसम से यार तीन गाड़ियां खरीदी तुम्हारे भाई ने अभी ये, एंड ये तीनों की तीनों गाड़ियां क्या ऑसम लगेगी भाई अपने शोरूम के अंदर। आ हा 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 हा, डोंट टेल मी कि वाली गाड़ी ऑलरेडी गंदी है ब्रो, मैंने अभी ऑक्शन से खरीदी है गाड़ी, इसको साफ करने का ऑप्शन आ रहा है भाई साहब। ऑक्शन में भी इतनी गंदी गंदी गाड़ियां रखी होती इन लोगों ने, हैं थोड़ी भी शर्म आ रही तुम लोगों के मुंह पे क्या? पकौड़े कहेंगे इतनी गंदी गंदी गाड़ियां रखी हुई है यार, सीरियसली डूड, सोच कर ही मुझे तो घिन आ रही है भाई, बड़े गंदे आदमी है भाई ये तो यार सारे के सारे। चलो गाइस अभी हमारी ये वाली गाड़ी, अरे मैं क्यों धो रहा हूँ इन गाड़ियों को, चलो गाइस मैंने इन गाड़ियों को जानबूझ के धो रहा हूँ एक्चुअली में, क्योंकि जब इन गाड़ियों को धोएंगे तो हमको एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं जिससे अपन लाइक स्किल्स वगैरह अनलॉक कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं इनको हल्का हल्का धो लेता हूं फटाफट, ठीक है ना। एंड अब इन सारी की सारी गाड़ियों को हम लोग कहाँ लेके जाने वाले हैं? डायरेक्ट अपनी पार्किंग में खड़ा करवा देने वाला मैं इन गाड़ियों को। चलो एक टो स्लॉट तू हो जा एंड एक इसको भी हम लोग कहीं से टो करवाएंगे एंड इसको तो मैं भैया अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। फिलहाल को गाइस मैंने अपने लिए पर्सनली फिलहाल को जो गाड़ी रखी है वो रखी हुई है मैंने अपने लिए मर्सिडीज की एक गाड़ी, ठीक है, जो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए फिलहाल को रखी हुई है, तो मेरे को फिलहाल को पर्सनल यूज के लिए आई थिंक ऑडी रखनी चाहिए यार, सबसे महंगी गाड़ी है यार ये वाली अभी तक की जो मेरे पास फिलहाल के लिए है, जब से मेरा वर्ल्ड डिलीट हुआ है तब से लेके यही वाली गाड़ी मेरी सबसे महंगी वाली गाड़ी है। और ये जो गाइस हमारी सेकंड वाली गाड़ी इसका जो टॉप है ना, मेरे को लग रहा है ये शायद से हो सकता है डैमेज हो, तो इसको मैं यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए भेज देता हूँ। एंड ये है गाइस हमारी कौन सी वाली थर्ड गाड़ी है, जो कि हमारी टेस्ला गाड़ी, इसको भी मैं डायरेक्ट कहाँ पे लेके जाना, इसको तो मैं आई थिंक गाइस अपने नीचे वाले फ्लोर पे रखूंगा, क्योंकि ये वाली गाड़ी भी काफी ज्यादा प्यारी ऐसी गाड़ी है ना, टेस्ला गाड़ियां बहुत ज्यादा बिकती है इसीलिए मिड रेंज की गाड़ी है, तो इसको मैं फिलहाल को डालने वाला हूँ सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, ठीक है ना। अब ये है गाइस हमारी अगली गड्डी, इसको एक काम करते हैं, तो हमारी सुपरा गाड़ी है भाई, सुपरा तो हमारे सबसे टॉप वाले फ्लोर पे जाएगी, सबसे टॉप वाले फ्लोर पे, तो चलो सबसे पहले इसको यहाँ पर चढ़ाया जाएगा एक एक करके, भी इन सारी गाड़ियों को ऊपर लेना है भाई साहब। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि बहुत सारी सुपर गाड़ियां खरीद के लाऊं, लाइक जितनी भी सुपर गाड़ियां मैं खरीद सकता हूँ। तुम लोग कैसे काम करोगे यार, मुझे तुम लोग यहाँ पे रेयर रेयर गाड़ियों के नाम बताओ अभी और इस वक्त कमेंट सेक्शन में। जैसे मुझे पता है निसान GTR बहुत ही ज्यादा रेयर गाड़ी है, ठीक है ना, इजिली मिलती नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी है ग्राइंड करने की, मुझे भाई वो मिली नहीं यार, ठीक है, सो इट्स अ फैक्ट कि मुझे वो नहीं मिली। तो उसी तरीके से गाइस तुम लोग मुझे और भी गाड़ियों के नाम वगैरह बताओ जो बहुत ही ज्यादा सुपर रेयर कार्स है, वो सारी की सारी गाड़ियों के नाम तुम लोग मुझे बताओगे तो भाई मैं जरूर उनको खरीदने की ट्राई करूंगा। ये क्या हो रखा है भैया, बीच में छेद है यहाँ पर, मैं नीचे गिरने वाला था अभी यार ऑलमोस्ट, भाई जी ये चीज तो कोई सेंस बना ही नहीं यार फिलहाल को। गाइस मैं ट्राई करो पर यहाँ पे लग नहीं रहा ये चीज, ओके दिस इज सो कंफ्यूजिंग यार, आई एम एक्चुअली कंफ्यूज्ड, मैं यहाँ पे लगा ही नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ पे गड्ढा रह जाएगा, कोई ना कोई तो गड़बड़ यहाँ पर हुई है। एंड मैंने भाई एक और बेवकूफी कर दी गाइस, जो हमारा थर्ड फ्लोर है एक्चुअली पे इस थर्ड फ्लोर के ऊपर मैंने वो किया ही नहीं अभी तक। ये देखो गाइस यहाँ पे मेरी गाड़ी थर्ड फ्लोर पे जाके अटक गई, पता नहीं क्या हुआ इसको, तो मैं अभी यहाँ पे गाइस वही चीज करने वाला जो तुम लोगों ने मुझे लास्ट टाइम बोली थी, आई थिंक अगर मैं इसको टो स्लॉट करूंगा, यस टो स्लॉट पे डालते ही गाड़ी एकदम सही हो जाती है हमारी, आई थिंक
कोई ना कोई तो ग्लिच चल रहा है गेम के अंदर यार। जैसे मैं ना नीचे कुछ प्लेस कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपनी गड्डी को ढंग से आगे लेके जा पाया था। चलो इसको मैं एक बार इधर यहाँ लगाता हूँ। थर्ड वाले फ्लोर को गाइस मैंने अभी तक कंस्ट्रक्ट किया ही नहीं भाई अच्छे तरीके से। कोई बात नहीं है, हम लोग अपनी गड्डियों को लगाएंगे पूरे तरीके से गाइस धूप में, ठीक है ना। हमारी गड्डियां गाइस धूप में रहने वाली है। ये देखो भाई, पहली गाड़ी हमारी टॉप फ्लोर पे गाइस, अगर ऊपर से नीचे करी ना एक भी बार, अगर मैंने गलती से भी एक्सीडेंट वगैरह कर दिया ना भाई साहब, रोना जाएगा मेरे को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी इस तरीके से रोना चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये आ गया नीचे हमारा। एंड अब दोबारा से सेव हो रही है गेम, से फोड़ने का मन कर अपना पीसी अभी। अब यहाँ से इसको भी नीचे लेके चलते हैं, एंड इसको भी यहाँ से नीचे लेके चलते। अरे भाई मेक शो करना पड़ेगा हर बार, जितनी बार हम लोग ये चीज करेंगे ना हर बार अपने को ये नीचे लेके जाना पड़ेगा। एक काम करते गाइस, जितनी भी हमारी ये सबसे टॉप वाली सुपर कार्स है ना, जो हमारी सबसे टॉप फ्लोर पे जाने वाली है, ये सारी की सारी गाड़ियों को मैं सबसे पहले ऊपर लगा देता हूं। गाइस एक और मेन चीज, अरे नहीं नहीं रुको 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 रुको, व्हाट आई हैव टू डू इज कि मेरे को सबसे पहले गाइस एम्प्लॉय कार वॉश वाला बंदा हायर करना पड़ेगा, एंड देन एक फास्टर एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इसके लिए मुझे एक और वन वो चाहिए, मेरे पास है नहीं फिलहाल को। क्योंकि गाइस मेरी गाड़ियां गंदी है, मेरा ये जो बंदा ये तभी यहाँ पर गाड़ियां वगैरह धोएगा सारी की सारी। जाओ भाई जी ऊपर, खड़ा हो गया यार पागलों की तरह खड़ा है भाई ये बंदा, मुझे पसंद नहीं है भाई ये बंदा। आई थिंक साइन बोर्ड की वजह से कुछ हो रहा है। गाइस मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि साइन बोर्ड को मैं दोबारा से ऊपर कैसे लगा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव नो अदर वे, कि मुझे पता ही नहीं कि भाई मैं इसको कैसे ऊपर लगाने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस सबसे टॉप फ्लोर वाली सारी की सारी गाड़ियां हम लोग ऊपर पहुंचा देने वाले। काश यहाँ पे ना ऑप्शन होता कि मैं दो दो गाड़ियों को एक साथ लेके चला सकता रहा तो कितना बढ़िया होता है ना। चलो यहाँ से हमारी गाड़ी आगे लेके जाएंगे, ये आएगा हमारा सेकेंड फ्लोर, एंड इसको भी यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, एंड यहाँ से अपने को बस अपनी गड्डी को आगे लेकर जाना है समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पर ऊपर लेकर जाएंगे इसको। तो भाई साहब गाड़ी हमारी पहुंच जाएगी सबसे टॉप फ्लोर पे भाई साहब। This is so good, bro. दोनों की दोनों गाड़ियां सेम कलर के। मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है गाइस कि ये जो हमारी गाड़ी है ना ये एक्चुअली में व्हाइट कलर की होगी, और इतनी गंदी हो रखी है कि ये पूरी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था भाई, ये पूरी सिल्वर कलर की गाड़ी है हमारी। अरे भाई साहब, और ये कौन से कलर की गाड़ी है हमारी? ये व्हाइट कलर की गाड़ी है भाई। किस एंगल से व्हाइट लग रही थी इससे पहले है, और अब देखो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी ज्यादा धूल थी इसके ऊपर। ये सारा का सारा काम हमारे इस एम्प्लॉय का, जो जिस बेवकूफ को मैं 1,20,000 दे रहा हूँ, अपने पड़ोस के मैं किसी कुत्ते को इतना पैसा दूंगा वो भी मेरे गाड़ी साफ कर लेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पर ये काम चोर है भाई लौंडा। और गाइस हमारी तीसरी गड्डी भी टॉप पे आ चुकी है, नाइस। एंड आई थिंक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गाइस तीन ही सुपर कार्स है जो सबसे टॉप पे मैं लगा सकता हूँ। आई थिंक मेरे पास एक या दो और सुपर वगैरह पड़ी हुई है, उनको मैं ऊपर लगा देता हूँ, एंड अपने पूरे एक बार शोरूम को पूरा मस्त होकर डेकोरेट करके आता हूँ भाई। अब तो सीधा ही मैं सारी गाड़ियों को अपनी अपनी जगह पे लगा के आता हूँ। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, भाई मेरे को बहुत ज्यादा अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। मेरे पास $5,00,000 तो बचे हुए हैं ही है, बट तुम लोग यहाँ पर गौर से देखो, मैंने यहाँ पर नीचे गाइस काफी अच्छी अच्छी वाली गाड़ियां लगाई है। मैं तुम लोग को दिखाऊँ मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार्स, भाई इस गाड़ी को देखो तुम लोग यार। मैंने इस पे बल्कि अपना नामकरण भी करवाया था लास्ट एपिसोड में, स्मार्टी मेरी, मतलब ये मेरी पर्सनल कार थी इस गेम के अंदर लास्ट एपिसोड में, जब मैंने फर्स्ट टाइम पे लाइक नया वर्ल्ड वगैरह बनाया था, है ना, ये मेरा दूसरा वर्ल्ड है मतलब। तुम लोग ये मान के चलो ये वाली गाड़ी क्या औसम है दिखने में, देखो इसको भाई, काले टायर्स, व्हाइट कलर की बॉडी, पूरे पूरे काले शीशे, ओ माइक्स की इनफैक्ट जो ये लाइट्स वगैरह है ना भाई साहब, मैं तुम लोग इसके लाइट दिखाता एक बारी। देखो भाई जी इसकी मैंने लाइट्स तक यहाँ पर मॉडिफाई करवाई हुई है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मस्त है भाई ये दिखने में। तो ये है गाइस हमारा फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर मैंने काफी अच्छे वाली गाड़ियां लगाई भाई, ये बहुत ज्यादा लग्जूरियस गाड़ियां नहीं है बट मिड जैसी लग्जूरियस गाड़ियां है। उसके बाद आता गाइस हमारा सेकंड फ्लोर जहाँ पर मैंने ठीक जैसी गाड़ियां लगाई, जो कि एक भी अभी तक यहाँ पे वो नहीं हुई है भाई। इसको धोएगा कौन? ओ भाई जी मुझे धोनी पड़ रही सारी गाड़ियां, ये बंदा किसी काम का नहीं, इसको मैं जूते मारने वाला। देखो ये सारी व्हाइट कलर की गाड़ी है भाई साहब, जो पूरी पूरी काली हो रखी है यहाँ पर, है ना। तो गाइस ये वाली जो हमारी गाड़ी है बहुत ही ज्यादा ऐसी गाड़ी है जो लाइक उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं है, तो हमारा सेकंड फ्लोर वो होने वाला है। अब मैंने ऐसा क्यों किया गाइस, सबसे नीचे अट्रैक्टिव गाड़ियां होनी चाहिए ताकि लोग देखे दूर से तो उनको लगे कि मतलब अच्छा है यार, है ना। बट जिस जिसको लाइक ऐसी चीप गाड़ियां भी खरीदनी होगी तो वो भी हमारे शोरूम में ऑफकोर्स आ सकते हैं, बिकॉज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर करके भी हम लोग बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। तो सेकंड फ्लोर हमारा ये वाला, एंड फाइनली दिस गाय हैज कम ब्रो। अरे 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 तू गाड़ी धोने आ रहा, मुंह तो धो ले एक बारी। हेलो तेरे मुंह पे यहाँ पे आई थिंक वो लगा है कुछ धूल मिट्टी, अच्छा ये गाड़ियां साफ कर रहा है इसीलिए इसको यहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह लगी। वेट ये धो नहीं रहा है, ये साला गाड़ियां साफ नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे घूम रहा है। रुको एक बारी, गाड़ी के अंदर बैठ, इंजन ऑन कर, इंजन को ऑफ कर, गाड़ी से उतर, आई थिंक अभी साफ करने आएगा गाड़ी को। प्लीज 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 मेरे बच्चे, ये बंदा साफ ही नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पर फास्टर एम्प्लॉय किया हुआ है भाई, और एम्प्लॉय कार वॉशर भी किया हुआ है,
Employee starts washing your cars. भाई ये क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है. This is so weird यार. खैर ये सब छोड़ गए, जो हमारा सबसे टॉप वाला फ्लोर है पहले, अब मैं तुम लोगों को वो दिखाता हूँ. इनफैक्ट मैंने गलती, अरे यार मैं क्या अनपढ़ हूँ यार गाइस, थर्ड फ्लोर हमारा ये वाला था यार, जहाँ पे सुपर कार्स वगैरह रखनी थी, बट मैंने क्या कर दिया, गलती से मैंने सबसे टॉप पे लेके चला गया सुपर कार्स को. बट वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चौथा फ्लोर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बनाने वाले हैं. ये है गाइस हमारी सुपर कार, एंड एक सुपर कार गाइस मैंने सबसे बॉटम वाले फ्लोर पर रखी हुई, क्योंकि सुपर कार हमारी है बहुत ज़्यादा ऑसम गाड़ी, बट बहुत ही मिड रेंज कार है, लाइक $70,000-$80,000 में मिल जाती है ना. एंड अगर तुम लोग गौर से देखोगे तो ये वाली गाड़ी लाइक ऑलमोस्ट $4,00,000 की है. ये वाली गाड़ी भी हमारी आई थिंक $1,00,000 के आसपास तो ये होनी चाहिए जितना मेरे को पता है. एंड इसका ट्रू कलर क्या, व्हाइट है. हाँ ये व्हाइट कलर की गाड़ी है भाई साहब. जैसे हम लोग गाड़ियों को धोते हैं भाई, पूरी की पूरी गाड़ी का रंग चेंज हो जाता है पूरा, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, मैं ओवरऑल अपीरियंस ही चेंज हो जाती है गाड़ी की पूरी तरीके से. एंड ये हमारी बाय द वे पूरी की पूरी ब्राउन कलर की गाड़ी है, बहुत ज़्यादा ऑसम गाड़ी है. सो या गाइस, अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर तुम्हारा भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लग्जूरियस गाड़ियाँ खरीदने वाला है. जितनी लग्जूरियस गाड़ियाँ तुम लोग मतलब इमेजिन कर सकते हो, उतनी लग्जूरियस गाड़ियाँ मैं खरीदने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में गाइस. एंड अगर मैं इन सारी की सारी गाड़ियों को बेचूंगा ना, अभी तो मेरे पास अभी देखो $5,00,000 है, तो मैं इजीली $3.5-$4 million पे आ जाऊंगा. तो सारी गाड़ियों को बेचेंगे भी, एंड हम लोग उन्हीं पैसों को री इन्वेस्ट करके जितनी भी ज्यादा सुपर रेयर कार्स लेकर आ सकते हैं. तब तक गाइस मैं क्या करूंगा, अपनी ये वाली जो हमारी ऑडी है ना, मैं इसको धो लेता हूँ. उस बच्चों ने तो धोनी है नहीं, है ना. तो ये मेरी गाइस तब तक के लिए पर्सनल कार बनने वाली, बस मैं इसकी जो नंबर प्लेट है उसको चेंज करने वाला, बिकॉज इसकी नंबर प्लेट से ऐसा लग रहा है कि मैं टैक्सी चला रहा हूँ यार, मतलब टैक्सी वो भी ऑडी में, समझ रहे तुम लोग. यहाँ पे अमीर टैक्सी वाला बंदा इस गाड़ी को चला के मेरे एक्चुअली बहुत ज्यादा अमीरों वाली फीलिंग आ रही है. सो आगे अगर तुम लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मुझे गेम के टिप्स वगैरह दो, मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर तुम्हारे कमेंट्स को पिक जरूर करने वाला. सो गाइस मिलता है मैं तुम लोगों से ऐसी धासु नेक्स्ट वीडियो में, तब से ऑसम गाइस, बाय बाय.